हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:25। अभी जस्ट उठा हूँ, उठते ही देखा तो काफ़ी तगड़ी वाली बारिश हो रही है और ये रात से ही हो रही है, तो बताइए अब रुकेगी कब। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, यहाँ से व्यू सामने वाले पहाड़ तो दिख नहीं रहे बिकॉज फॉग ही फॉग हो रहा है। तो देखते हैं जब रुकेगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल तो अभी एक रेजोर्ट में हम, यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा है। वैसे तो मैं अभी वॉशरूम में हूँ, तो मैंने यहाँ से विंडो ओपन की और देखा मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। सामने देखो पहाड़ पे फॉग ही फॉग है और यहाँ से कुछ इस तरह का सीन है। बाइक्स हमारी वहाँ पे खड़ी हैं, दिख रही होंगी ये रही। चलो बाइक्स तो धुल गई, सही है। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। बाकी अभी पारस भी और दिव्यांश तो सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? 10 बजे बंद हो जाता है, 10 बजने वाली है। 3 चाय कर देना। फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, बहुत ठंड आ रही है यार। इनको खोलते हैं, इसको भी एंड इसको भी। तो सारी विंडोज मैंने ओपन कर दिया है, अब यहाँ से मस्त व्यू दिखेगा अगर हम खोलेंगे तो। बट अभी नहीं खोलूंगा बिकॉज बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, तो मेरा तो मन कर रहा है बिस्तर में ही चले जाते हैं, ओढ़ लेते हैं बिकॉज गर्म कपड़े तो लाया नहीं मैं, तो यहीं ओढ़ के लेट जाते हैं और ब्रेकफास्ट का वेट करते हैं। बाकी रात को इतनी मस्त नींद आई यहाँ पे, फुल मजा आया। तो अभी एक मस्त चीज मिली है जो कि है केंचुआ, जो कि पारस भी ऐसे डर रहे हैं। डर क्यों रहे हो? खून आ गया कल भी पैर में। इससे जुड़ना केंचुआ है, वो केंचुआ अच्छा होता है। इसको तो मैं ऐसी हाथ से उठा लेता हूँ। भाई, काट रहा ले भाई। अरे काटता नहीं है, काटने वाली चीज नहीं है ये। फिर भी रिस्क जरूरी लेना है अपने। अरे रिस्क नहीं है, वो केंचुआ है। मैं बताऊंगा मम्मी को। अरे सांप थोड़ी ना है। बताऊंगा मम्मी को। सांप नहीं है वो, केंचुआ है। केंचुए को हाथ से पकड़ सकते हैं हम। अरे कुछ नहीं होता भाई, फेंक दो, फेंक दो, जल्दी पानी में फेंक दो। पानी में नहीं फेंकते इनको, इसको इसमें फेंक देता हूँ। बस तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। अंकल जी ये हैं? भैया है। भैया नहीं है, अंकल जी हैं। भैया होना। तो गरम गरम परांठे आ गए हैं। तो अभी 11 बज चुके हैं और कंटिन्यूसली अभी तक बारिश हो रही है कल रात से। मतलब इतनी बारिश मैंने कभी भी देखी यहाँ पे। पता नहीं अभी रुकेगी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि हमको चेकआउट करना था, हमको गांव जाना था ना, पीयूष के पास में, चाचा चाची अम्मा बाबू के पास में, क्योंकि वहां पे हम कल भी नहीं रुक पाए थे। तो देखते हैं कब तक ये बारिश रुकती है। और ऊपर से यहां पे लाइट भी चली गई, कह रहे हैं पोल टूट गया, तो अब गीजर भी चलेगा, नहा भी नहीं सकते क्योंकि इतनी ठंड में ठंडे पानी से तो नहाया नहीं जाएगा। ये जो रूम है ना, ये हमको बहुत पसंद आया था और ये रिजॉर्ट भी काफी पसंद आया था, बट बिना लाइट के हम रह नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि वाईफाई चलेगा नहीं, फोन कैमरे की बैटरी किस तरह चार्ज करेंगे बिना लाइट के। तो हमको ये रिजॉर्ट चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे लाइट हो। तो इस ट्रिप पे हमको काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं जो भी रहेगा। अंदर तो कुछ ज्यादा ही बोर हो गया, थोड़ा बाहर घूमते हैं। मैं तो बिना चप्पल के ही आ गया, जूते भीग जाएंगे ना भाई। अभी कोई भी नहीं उठा हुआ, ये सारे रूम्स हैं, सबके अंदर कोई ना कोई है। सामने वाले पहाड़ी में दिख रहे, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं यार। इस टाइम पे ना अपनी गाड़ी की मुझे बहुत याद आ रही है, काश गाड़ी होती, गाड़ी में निकल लेते। हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान है। सिनेमैटिक वीडियो के चक्कर में मैं पूरा भीग गया हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। हम क्या सोच के आए थे और यहाँ पे आगे क्या मिला हमको, बट कोई बात नहीं, लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना जरूरी है। जैसे ही सब कुछ एक बार बारिश रुकेगी ना, पहले तो मार्केट जाके मैं अपने लिए कुछ हुडी कोट वगैरह लूंगा मैं। तो अभी मैं पी रहा हूँ बुरास के फ्लावर का जूस, जो ये काफी फेमस फ्लावर है यहाँ का। तो लाइफ में मेरी इच्छा थी एक बार तो मैं वो जूस पीऊँ और बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। तो अभी ये सर मिलने के लिए आए हैं, निखिल भाई। अरे यार सर, सर एंड ये मैम। हेलो, नाइस नेम हिमानी। तो ये है कोको। कोको नहीं, नहीं। और ये भी ऐसी करता है। पकड़ लिया फाइनली। तो अभी हम आए रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में। तो अभी 2 बज गए हैं, अभी तक बारिश हो रही है काफी तेज। खाना पीना हो गया है, फिलहाल अभी हम चलाएंगे भैया की गाड़ी। नेक्सॉन का रिव्यू लेना भैया के पास, नेक्सॉन है तो पहाड़ पे गाड़ी चला के देखेंगे आज। भैया भीगे होंगे। तो आज फर्स्ट टाइम पहाड़ पे गाड़ी चलाऊंगा, मैंने चलाई नहीं है कभी, फर्स्ट टाइम चलाऊंगा तो चलवा देना अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वैसे गाइडेंस दे देंगे। वैसे टाटा की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की। कुछ होगा नहीं, और ऑटोमेटिक है। लास्ट टाइम फॉर्च्यूनर चलाई थी, वो ऑटोमेटिक थी, मुझे चली नहीं, तो देखते हैं आज चलेगी नहीं चलेगी।
बस बेसिक है, अपना लेफ्ट पैर यूज मत करना, एक ही पैर से, एक ही पैर से लेफ्ट पैर यूज मत करना, बस ये एक बेसिक है, बस सबसे बड़ा बेसिक यही है गाड़ी चलाते वक्त। भाई ये तो बहुत भारी है, इसमें भाई बेसिक ही है ना, ये ब्रेक और एक्सेलेटर तो पता ही है, दो ही चीजें हैं, बस ये पैर को साइड रख लेना, बस वो मत मार देना क्योंकि ये ट्रेंड है तुम्हारा ब्रेक मारने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का इंटीरियर है इसका, नेक्सॉन का। ये गाड़ी मैं लेने वाला था, बता आपको। ओए ओए ध्यान से बैठिए, आज मैं चलाऊंगा, ध्यान से बताते रहना कैसे चलानी है। बस एक तो ऑटोमेटिक, एक रिवर्स, एक न्यूट्रल। तो जब गाड़ी चलानी है तो ब्रेक पे पैर रखते हुए अपने को इग्निशन देना है, लेफ्ट पैर का यूज मत करना। लास्ट टाइम जब मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई थी, मुझे चली नहीं, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, बट अब चला रहा हूँ। तो भैया ने अच्छे से बताया मुझे किस तरह से चलानी है, तो अब मैं चला रहा हूँ। काफ़ी इजी है, एक ही पैर यूज़ करना है इसमें, मज़ा आ रहा है, मतलब कोई डिफिकल्टी हो रही गाड़ी चलाने में? ऑटोमेटिक तो यार बहुत आसान है। तो अभी नेक्सॉन चलाई थोड़ी सी, काफ़ी मज़ा आया, ऑटोमेटिक चला के काफ़ी इजी है। फिलहाल अभी झरने पे आए हम, तो दिखाते हैं बाहर, बारिश हो रही है लेकिन। अरे वाह, ये तो बहुत ही तेज आया है, यहाँ पे बस बारिश और झरने की आवाज़ ही आ रही होगी। ये वाला झरना प्यारा लग रहा है। तो गाइस मैं तो अच्छे से पूरा भीग चुका हूँ, बट ठंड नहीं लग रही, बाइक में ट्रैवल कर रहे थे ना, ठंड लग रही थी। गाइस इसके जो ये डोर्स हैं ना, बहुत हैवी हैं, बहुत, मतलब मैंने और गाड़ियाँ देखी हैं, ब्रेजा वगैरह भी देखी है, उनके भी हल्के हल्के से हैं, ये बहुत हैवी हैं यार। चलो ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी गाड़ी चला के एक नया एक्सपीरियंस था। तो अभी 3 बज गए और बारिश सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। बाहर गया था मैं, पूरा भीग के आया हूँ, तो मैंने फिलहाल टी शर्ट तो चेंज कर ली, बाल वगैरह भीगे, बट स्टिल उतनी ठंड नहीं लग रही है। ठंड लग रही है जब हम राइड कर रहे थे, क्योंकि राइड में ठंडी ठंडी हवा लगती है ना। तो बारिश में भीग गया था, इसलिए अभी गरम गरम चाय पी रहा हूँ, और इसके बाद चलते हैं क्योंकि हम होटल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पोल वॉल गिर गया था ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वाईफाई चलेगा नहीं, तो अपना काम तो हो नहीं पाएगा, तो होटल चेंज करेंगे इसके बाद कोई दूसरे होटल में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो। तो अभी फिलहाल रेडी हो गया, सारा सामान पैक कर लिया मैंने, तो अब निकलते हैं। नीचे गाड़ी आ गई है, गाड़ी छोड़ देगी हमको दूसरे होटल में। ये जहाँ पे हमने स्टे किया ना, ये बहुत बढ़िया जगह था यार, बस इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाते, आज यहीं रुक जाते क्योंकि बारिश हो रही है ना। देख लो, कोई छूटा ना हो, मेरा तो नहीं छूटा वैसे, नहीं मैंने देख लिया, एंजाइटी हो जाती है ब्रो मेरे को। हाँ मेरे को भी होती है। तो बाइक्स तो हमारी कल शाम से यहीं खड़ी है, अच्छे से बिल्कुल चमक चुकी हैं, धुल चुकी हैं देखो। तो बाइक्स तो हमारी यहीं पे खड़ी रहेंगी जब तक बारिश नहीं रुकती, हम दूसरे होटल में जा रहे हैं, तो कल यहाँ से बाइक उठा लेंगे हम। और आज मैंने फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे, इतनी खतरनाक रोड पे ड्राइव किया, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। मुझे डर लग रहा था कि मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, बट जब मैं चला रहा था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, काफ़ी आगे तक मैं ले गया झरने तक, जो कि आपने देखा। तो अब नेक्स्ट टाइम इनोवा लेके आऊँगा, अब सारा डर खुल चुका है मेरा। बाकी फिलहाल अभी बारिश ही हो रही है, जल्दी गाड़ी में बैठते नहीं तो भीग जाएंगे यार। हेलमेट भी हमारा यहीं पड़ा रिजॉर्ट में, जब बाइक उठाने आएंगे ना तब हेलमेट ले लेंगे, फिलहाल तो सिर्फ बैग बैग लेके जा रहे हैं। तो देखो गाइस सब जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरे पेड़ गिरे पड़े हैं यहाँ पे, वो भरसा इतना बड़ा पेड़, पूरा पेड़ उखड़ा पड़ा जड़ से। कल हम आए थे बाइक पे, रोड बिल्कुल सही थी, मतलब एक ही रात में सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर हो? क्या नाम है आपका? अरे वाह, यहाँ से व्यू भी प्यारा है। तो ये कुछ इस तरह का होटल बना हुआ है यहाँ पे, और जो रूम है वो कुछ इस टाइप का है, वॉशरूम भी ठीक है, बड़ा सा है। टॉवल नहीं है? टॉवल नहीं है? वाईफाई का पासवर्ड ले लो, सबसे मेन तो वही है, टॉवल वगैरह है, ये रे टॉवल। सबसे मेन तो वाईफाई था जो कि है बड़ा रूम में, बस वही चाहिए अपने को। तो आते ही अपनी चाय तो आ गई है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:25, तो मैं आज एडिटिंग अभी से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, जल्दी अपलोड हो जाए, सो जाऊँ, क्योंकि यार कल गांव जाना है तो टाइम पे निकल लेंगे सुबह सुबह, क्योंकि आज भी नहीं जा पाए, आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो कल पक्का जाएंगे चाहे बारिश हो। तो अभी हमारे होटल रूम पे भोटिया कुत्ता आ गया है। हेलो, कितना क्यूट सा है, अरे कुछ नहीं करता ये, देखो कितना क्यूट है। तो पारस भी डर रहे हैं बाहर आने से, और ये यहाँ पे बैठ गया है। आप पेट लवर नहीं हो, आप डरपोक लवर यार, मेरे को डर लगता है, इतना बड़ा है वो, मेरे वाला छोटा सा है यार। आप पेट लवर हो ही नहीं। ओए रुक जा, ओए रुक जा, इधर भाई जा 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 भाई, अरे मत जा इधर, नहीं दोस्त आजा, वापसी डर रहा है ये, मेरे को देख के आ रहा है। आपको बाहर नहीं आने देंगे आज, लगा दूं क्या हाथ? परस भी आपको बाहर नहीं आने दे रहा ये। इधर कुछ कहेगा नहीं ना, काटेगा तो नहीं ना, तो पक्का नहीं काटेगा ना, नहीं काट रहा ना, तो चलो फिर बढ़िया, डर लग रहा है यार, नहीं काटेगा, पक्का नहीं काटे यार, आप इतने क्यूट हो। ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर है, हमारी वीडियो देखते हो ना? हाँ। कौन सी वीडियो देखी है बताओ? लो सब वाली वीडियो। क्या होता है वीडियो में?
एक दिन वहां से वो पीयूष ऐसे एक पिलर से चल के दूसरे पिलर पे कूद मारी ना। हाँ देखा मैंने फोन में। देखा है? अच्छा आपने भी देखा है? कुछ नहीं करता। हाँ लगा के देखो। लगा दूं? हाँ कुछ नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं कह रहा यार। आप भी करके देखो कुछ नहीं होता। करके देखो अच्छा नहीं लगता है। अरे कुछ नहीं कहेगा यार। नो करता ही नहीं। मैंने गेट बंद कर लिया। कितने डरपोक है यार इतने बड़े होके भी। इसका नाम क्या है? ओप्पो। ओप्पो वीवो। ओप्पो वीवो। वीवो कौन है? वीवो भी है कोई? वीवो नहीं है। वीवो नहीं है इसका नाम। तुम्हारा ही है ना ये होटल? तो इन्हीं का ये होटल है और ये हमारे सब्सक्राइबर निकले। तुमको मतलब कैसा लग रहा है तुम्हारे होटल पे हम रुके हुए हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था हम आएंगे? नहीं सोचा था। मैं घर में आपके व्लॉग ही देख रहा था। तो मेरे व्लॉग देख रहे थे? ये तो सीधे ऊपर भाग गया। मैं आपके घर में मैं आपका व्लॉग देख रहा था घर में। अच्छा ये तो सीधे ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे हमको क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर मिले हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, कुछ बताना चाहोगे? पारस भैया को देखो डरपोक। क्यों से मिलना था मेरे को तो? गजब बेइज्जती है। मैंने कहा मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्यों से मिलना था? पीयूष तो गांव में अपने। तो अभी जस्ट 8 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग कंप्लीट एडिट हो चुका है। काफी मस्त बनाइए। ट्रैवल करते हुए ना सभी मेरे लंबे लंबे ब्लॉग निकल जाते हैं 15-16 मिनट के। अगर कोई लंबा निकल जाए ना जैसे कि 20 मिनट का 21 मिनट का तो मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। बट अगर 13-14-15 मिनट का हो तब एक ही, जैसे कि ये है 16 मिनट का है तो मैंने सोचा चलो एक ही पूरा कर देते हैं। सही है। और बस अब सारी टेंशन खत्म, अब इसको अपलोड भी लगा देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:36 और अभी हम जाएँ डिनर के लिए। कहाँ पर है डिनर? एंड ये रहा वो डॉग। हाय, इसको बांध रखा है। बांध क्यों रखा है? तो यहाँ पे है डिनर। तो फिलहाल डिनर करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। तो खाना खा के आ गया हूँ मैं। अब मैं दूसरा व्लॉग एडिट करता हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:24 और मेरा दूसरा व्लॉग भी एडिट हो चुका है। तो अब दो दिन का काम खत्म। अगर मैं कल एडिट नहीं करूँगा तो चलेगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। बाकी सब यहीं बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे स्नैक्स वगैरह और फिर सो जाएंगे जल्दी ही। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मजा ही आ रहा है। तो भाई ये मतलब ये बेसिकली इस टाइप का रिव्यू है। यही होता है ना इसमें, यही चक्कर है। मेरी गाड़ी भी गिरता है। तुम ऐसे तुम मैं तो पकड़ लो, इन लोग पीछे से ले लेंगे थोड़ा। कोई नहीं लेने वो चालू ही है शायद। बंद कर दो उसको। बंद कर दूं? हां कर।